नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ छवि। सीधी के रामपुर नैकिन थाना क्षेत्र के शरदापटना गांव में हुए भीषण सड़क हादसे के बाद बीते दिन भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर नेत्री और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती अपने अल्प प्रवास पर सीधी पहुंची, जहां उन्होंने सर्किट हाउस पहुंचकर घटना के संबंध में पत्रकारों से चर्चा की। पत्रकारों से रूबरू होते हुए उमा भारती ने कहा कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार संवेदनशील है, हमारी सरकार ने संवेदनशीलता से काम किया है, सरकार से जो कमी रह गई है उसे जल्द ही ठीक कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि शुक्रवार को अल्प प्रवास के दौरान सीधी सर्किट हाउस पहुंची मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने पत्रकारों से सीधी बस दुर्घटना को लेकर कहा कि एक व्यक्ति के चूक के कारण इतने ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, इसका बड़ा कारण वैकल्पिक मार्ग का सुरक्षित न होना है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसको लेकर गंभीर हैं और प्रदेश के सभी वैकल्पिक मार्गों को लेकर बेहतर योजनाएं बनाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा कि प्रदेश में ऐसे सभी वैकल्पिक मार्गों को चिन्हित करके उनके दोनों तरफ बैरिकेडिंग की जाए, वैकल्पिक मार्ग को भी सुरक्षित करना चाहिए। रोड कच्चा रहेगा तो चलेगा, पर असुरक्षित नहीं होना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री ने लोगों की जान बचाने वाली शिवरानी और अन्य लोगों का अभिनंदन भी किया है। वहीं विंध्य के पुनर्गठन की मांग को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा कि हमारी सरकारें छोटे राज्यों को लेकर गंभीर रही हैं, हमारी सरकार के कार्यकाल के दौरान ही उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड बने हैं। बंदा के ऊपर जो लेकर गया वो व्यक्ति, वो उस एक व्यक्ति की थोड़ी सी चूक से कितने लोगों की जिंदगानियां चली हैं। और मुझे इससे लग रहा है कि ऐसे जितने भी प्रकार के मार्ग हैं मध्य प्रदेश में, जहाँ पर कि वैकल्पिक मार्ग है, ये वैकल्पिक मार्ग था, ओरिजिनल मार्ग पर शायद जाम लगा हुआ था, कोई प्रॉब्लम थी, तो ऐसे जितने भी वैकल्पिक मार्ग हैं वो दोनों तरफ ठीक से उनकी एक तो वो जिसको बैरिकेडिंग होती है वो हो जाए। जो ओरिजिनल रूट है उसका जो वैकल्पिक रूट है किसी वजह से, वो वैकल्पिक रूट भी सुरक्षित रहे, इसको सुनिश्चित करो। रोड कच्चा है तो चलेगा, लेकिन रोड अनसेफ नहीं होना चाहिए। बिंद के पुनर्गठन को लेकर क्या, खास करके जब नदी के ऊपर से या किसी बांध के ऊपर से कोई रोड जा रहा है तो उसकी सुरक्षा बहुत होनी चाहिए। लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि अब हम कुछ भी कह लें वो हादसा रिवर्स गियर में नहीं जा सकता। आप पूर्व में सीएम थे तो बहुत अच्छा प्रशासनिक व्यवस्था था, लेकिन कहीं में कहीं त्रुटियां हो रही है प्रशासनिक व्यवस्था। मतलब मैं रह गई थी, मैंने जब पहले तो टीवी पे आया, फिर सवेरे जब लड़की है, हाँ शिवरानी, और जिसने उसने जिस तरह से लोगों की जान बचाई उसका अभिनंदन होना चाहिए। दीदी, कार्यवाही से संतुष्ट हैं आप, जो कार्यवाही इस घटनाक्रम के बाद हुई? हमारे प्रदेश की सरकार संवेदनशील है और पूरी संवेदनशीलता के साथ में ही बर्ताव हुआ है, और बाकी कोई कमी रह जाती है लोग बता देते हैं पुनर्गठन को नहीं, इस पर मैं नहीं बोलती हूँ, क्योंकि हमारा संगठन छोटे राज्यों में विश्वास करता है और हमारी सरकार के समय पर ही छत्तीसगढ़ बना, झारखंड बना, उत्तराखंड बना और तेलंगाना बना। खबर में फिलहाल इतना ही, और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। नमस्कार।